सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, लेकिन सरकार के ये सभी दावे खोखले नजर आए जब पुलिस ने संडील गांव के खेतों से एक 6 माह का भ्रूण बरामद किया है। भ्रूण लड़की का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जींद के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव के चौकीदार सुरेश का कहना है कि यह बरामद किया गया भ्रूण जो लगभग 6 माह का गांव से बाहर पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस ने भ्रूण को बरामद कर लिया है और अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि यह पाप किसने किया है। सरपंच ने फिर पुलिस की रिपोर्ट की, पुलिस ने फिर आके ये इधर ले लिया। तो क्या था इस चीज का है, ये क्या है, ये लड़की बताइए जी, ये फोटो उतारे जी, ये जो गए थे यहाँ से तो उन्होंने लड़की साफ की। तो गांव में सुबह की बात है, ये सुबह की बात है। तो कहाँ पड़ा मिला ये? ये जी गोबर पत्थर लगाए वहाँ भैर भाई जी लले समलाते जमीन थी, कुछ बतेरे थे लले समलाते, तो वहाँ मिला था। तो कहाँ लेके आओ इसको? मैं जी हाँ मेडिकल में लेके आयो क्या? हाँ जी मेडिकल में। वहीं पुलिस जांच अधिकारी जयकिशन का कहना है कि उन्होंने गांव से लड़की का भ्रूण जो 6 माह का है गांव संडील के बाहर पड़ा मिला है। भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जींद के नागरिक अस्पताल में लाया गया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सुबह टेलीफोन आया सरपंच का कि हमारे गांव संडील में भ्रूण पड़ा है, इस पर ये जो समलाती जमीन है गांव के पास ही पड़ा है, 40 मिनट में वहाँ गोबर के उपले फटे हुए हैं, उनके अंदर पड़ा हुआ था। ये भ्रूण किस चीज का है जी? ये लड़की का भ्रूण है जी। कितने माह का? ये करीब होगा 5-6 माह का है, वहाँ इस पर ऑफिसियल की टीम भी आई थी तो 5-6 महीने का है। तो पुलिस कार्रवाई क्या रही है जी? अभी कार्रवाई का पोस्टमार्टम कराएंगे, उनकी तलाश करेंगे जिस औरत ने बताया है। तो अभी पता नहीं चल पाया? अभी कोई पता नहीं चल पाया। तो गांव में की? हाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है। आज आरटीवी न्यूज के लिए जींद से ऋषि महेंद्र तक की रिपोर्ट।